हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भावना कांजवानी हेयर। तो मैं आज एक फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ इस वीडियो में। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप बार बार मेरी वीडियो देखते हैं तो आपका दिल से धन्यवाद है। तो आज मैं जो फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ वो मैंने मंगाया मिनी साइज़ में। अगर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा तो मैं इसका बड़ा साइज़ मंगाऊँगी। तो ये है स्विस ब्यूटी का हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन विद विटामिन सी नायासिनामाइड के साथ। वाटरप्रूफ में फाउंडेशन है ये, लाइट वेट है, नॉन क्रीजिंग है, वो सब इन्होंने क्लेम करा। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सब चीज़ें हैं भी या नहीं। जो मैंने इसमें शेड मंगाया मुझे लग रहा है लाइट मंगा ली है। अल्कोहल फ्री फाउंडेशन है ये भी लिखा है। जीरो नेचुरल बेज मेरा शेड है। अगर आपको भी ऐसा ट्रायल पैक लेना है तो मैं इस वीडियो के नीचे सिम्पटन का लिंक डाल दूंगी। अगर आप नहीं जानते सिम्पटन ऐप क्या है, वहाँ से ट्रायल पैक मिल जाते हैं। किसी भी न्यू चीज़ को आपको अगर परचेज करना हो तो वहाँ से आप ट्रायल पैक ले सकते हैं। ओनली 199 में 6-9 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको भी किसी भी फाउंडेशन का ट्रायल पैक लेना है, ऐसा नहीं है कि इसी का, किसी भी फाउंडेशन का ट्रायल पैक लेना है तो आपको। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, 7 ग्राम इसकी क्वांटिटी। इस पे तो लिखा है कि ऑल स्किन टाइप है ये, बट अब देखते हैं हम क्या होता है। मैंने इसको अनबॉक्सिंग वीडियो डाली है मैंने अपनी, बहुत सारा मेकअप और स्किन केयर मंगाया था तो उसमें मुझे ये बहुत लिक्विडी और अपने शेड से थोड़ा लाइट लग रहा है। मेरा शेड नहीं है ये। चलो फिर भी देखते हैं, फिर डार्क कंसीलर से एडजस्ट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, फिर मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। मुझे लग रहा है टू वाइट हो गया है मेरी स्किन के लिए। चलो, और ना मैं बता दूँ, ये थोड़ा ना लिक्विड साइड है, मतलब थिक नहीं है फाउंडेशन, लिक्विड साइड है। तो अब इसको ब्लेंड करती हूँ मैं अच्छे से। फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने अच्छे से स्किन केयर और प्राइमर लगाया है, इनकेस अगर आपको डाउट हो कि। तो आप भी अपना स्किन केयर करने के बाद, प्राइमर लगाने के बाद ही फाउंडेशन लगाना, तभी अच्छा बेस बनेगा। एक लेयर और करूँगी मैं एक बार, देखते हैं। थोड़ा कम लगाया था मैंने, कलर तो लाइट है, अब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर सेट हो पाएगा। एक साइड में ब्रश से आपको सेट करके दिखाऊंगी, कई बार ब्रश से बहुत अच्छी कवरेज आती है। कोई फिल्टर नहीं लगा रखा अभी मैंने, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है इसकी, पर इस पे लिखा है हाई कवरेज, हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन। देखते हैं, मुझे बहुत डूई सा लग रहा है ये, ऐसा लग रहा है मैंने कोई सनस्क्रीन, हल्की सी टिंटेड मॉइस्चराइजर लगा लिया है। फिर भी देखते हैं आगे, हम इस साइड में ब्रश से करती हूँ। हाँ, मैं स्टिपलिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा कम है तो ब्रश पे मैं थोड़ा और प्रोडक्ट ले लूँगी ताकि मैं अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। यहाँ मैं थोड़ी स्पीड में वीडियो चला रही हूँ, स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करा है मैंने। मेकअप आर्टिस्ट बहुत यूज़ करते हैं इस ब्रश का, आपने देखा हो तो अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मुझे लगा कि ब्रश से अच्छी इसकी फिनिशिंग आ रही थी और अच्छा फाउंडेशन है। ब्रश से फिर भी थोड़ी अच्छी कवरेज आई है, इधर तो ऐसा लग रहा है मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। इधर फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, मेरे फ्रैकल्स ढक दिए हैं इस फाउंडेशन ने। ब्रश के साथ कवरेज अच्छी आई है। केस अगर किसी को जैसे लाइट कवरेज, गर्मियों में नो डाउट हैवी कवरेज नहीं चाहिए होती है। आप हैवी तो आप किसी से भी कंसीलर से बना लोगे इसको इजीली। तो मैं दोनों साइड इक्वल कर लेती हूँ और मैं कंसीलर भी यूज कर लूँगी। तो गाइस, अगर आप देख रहे हैं कोई हल्का सा टिंटेड फाउंडेशन तो आप इसको ले सकते हैं। इसकी कवरेज आप बना सकते हैं विद कंसीलर और फुल कवर।
तो फाइनल वर्डिक्ट मेरी यही है इस फाउंडेशन को लेके। इस वीडियो में मैं और दूसरा मेकअप भी कर रही थी, इसलिए मैं इसको डब कर रही हूँ कि दो लेयर के बाद इसने अच्छी सी कवरेज दे दी है, पर मुझे ब्रश के साथ कवरेज अच्छी लग रही है ज़्यादा। मैंने एक शेड लाइट ले लिया है, अगर आप मेरे शेड के हो तो नेचुरल बेज लेना, मैंने गलती से न्यूड मंगा लिया है। तो मुझे फाउंडेशन पसंद आया, मैट फाउंडेशन है, आप गर्मी में ले सकते हैं अगर कोई अच्छा फाउंडेशन देख रहे हैं। इतनी बड़ी बॉटल 322 रुपीज़ की आ रही है, विनायका सेल भी चल रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर ये फाउंडेशन आपको लेना है। मुझे पर्सनली पसंद आया है, मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे ही फाउंडेशन अच्छे लगते हैं। ज़्यादा हाई कवरेज अगर आपको चाहिए तो आप इसके साथ कंसीलर लगा सकते हैं। ऑल ओवर फाउंडेशन अच्छा है और फाइनल लुक मेरा मेकअप के बाद कैसा आया मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देख लीजिए गाइज, ये बिना किसी फिल्टर के मैं आपको फुल मेकअप की वीडियो दिखा रही हूँ। फुल मेकअप भी इससे पहले आ गया है आई थिंक इसका, इससे मैंने बहुत सारे हैक भी करे थे इस वीडियो से। तो आई मेकअप थोड़ा ट्रिकी है, मैंने नहीं डाला है। ऑल ओवर मेकअप आपके सामने है, 3-4 घंटे मैंने इसको रखा है, कुछ भी नहीं हुआ और अच्छे से फेस पे फाउंडेशन बैठा है, कहीं से भी क्रीजिंग नहीं आई, हटा नहीं, टेक्सचर आपको पूरा मेरे फेस का दिख रहा होगा। तो कैसा लगा आपको ये फाउंडेशन का रिव्यू मुझे कमेंट में बताना, और मैं नेक्स्ट किस चीज़ का रिव्यू करूँ ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अनाउंस करने वाली हूँ अपने चैनल पर गिव अवे, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज़ की देर कर रहे हैं। तो यहाँ आपको मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए। ये स्लोमो में वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो इग्नोर करना। ऑल ऑफ यू लव यू।